अस्सलामुअलैकुम। हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ सिंपल सी भिंडी फ्राई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए है। ये पराठा रोटी फुलके के साथ बहुत अच्छी लगती है, बच्चों को बड़ों को आप इसे टिफिन में भी दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नई नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर भिंडी को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके इसे कट कर लिया है। इस तरह से 500 ग्राम भिंडी है ये। अभी कढ़ाई में हम यहाँ पर 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और फ्लेम को मीडियम करेंगे और इसमें कटी हुई भिंडी ऐड करेंगे। अब इसे मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई करते रहेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे बीच बीच में रोक रोक कर। इसमें स्टार्टिंग में नमक नहीं डालना चाहिए वरना ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम सारी चीज़ें एक के बाद एक ऐड करेंगे। देखिए ये अब फ्राई होने लगी है, इसे 5 मिनट के लिए और पका लेंगे हम। अब इसमें हम 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे इसे। देखिए कुछ देर फ्राई करने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक और इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे हम। अब इसमें हम 1.5 टीस्पून लाल मिर्च ऐड करेंगे और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए अब ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, अब इसे डिश आउट करेंगे। मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और बिगिनर्स के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।